हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमए रसोई में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम बनाएंगे दम आलू। दम आलू बनाने के लिए हमने जो आलूओं को उबाल लिया है, हमने आलूओं को ज़्यादा नहीं उबालना है, हमने आलूओं को 80% उबाल लिया है। हमने जो दो से तीन हमने प्याज को हमने पीस लिया है, और हमारे जो तीन टमाटर को हमने पीस लिया है, और जी हमारे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। हम पहले आलूओं को फ्राई करेंगे। हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, हमने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को अच्छे से गरम होने दें ताकि अच्छे से उसकी जो स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए। तेल में जब तक नहीं फ्राई करें तेल में आप आलूओं को, जब तक उसका तेल का धुआं ना निकलने लगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब इस गरम तेल में हम छोड़ेंगे जी आलू। आलूओं को हमें साइड से छोड़ना है, वरना हमारे मुंह पर छींटे पड़ सकते हैं। आलूओं को हमें तेज़ फ्लेम में हमें अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे गोल्डन कलर आने तक हमें यानी आलूओं को पकाना है। देखिए हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इन आलूओं को हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब वापस इसी तेल में हम छोड़ेंगे जीरा। जीरा को थोड़ा चटकने देंगे, और साथ ही में हम ये तीन से चार हम तेज पत्ता को भी छोड़ देंगे। हमारा जीरा चटक चुका है, अब इसमें डाल देंगे जी हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का पक चुका है, अब इसमें डाल देंगे जी हम प्याज को। प्याज को पकाएंगे। अब प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे। हमारी प्याज पक चुकी है, अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट, इसे भी अच्छे से पका लेंगे। हमारी प्याज टमाटर में उबाल आ रहा है, अच्छे से पक रहा है। अब हम इस सूखे मसाले डालेंगे। एक चम्मच डाल देंगे हम मिर्च पाउडर, आधे चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और दो चम्मच डाल देंगे हम जो धनिया पाउडर, ताकि हमारा जो मसाला भाई सूखा हुआ ही मसाला अच्छे से पक जाए। अब डाल देंगे जी हम आधी चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी, इन सबको मिला लेंगे, मसाले को अच्छे से पका लेंगे हम। अब जाएगा इसमें एक चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को डालें। हमारा मसाला पक चुका है, देखिए मसाले में से तेल अलग होने लगा है। अब लास्ट में डालेंगे हम जी एक आधी कटोरी मलाई, ये हमारी मलाई घर की है। अब मलाई को हम अच्छे से चला लेंगे। देखिए हमारा मसाला पक चुका है, देखिए मसाले में से तेल अलग होने लगा है। अब डाल देंगे जी हमने जो आलूओं को फ्राई किया था, अब आलूओं को थोड़ा हम पका लेंगे, चला लेंगे 2 मिनट मसाले के साथ। हमने मसाले के साथ आलूओं को हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है, पका लिया है। और हम इसमें डालेंगे पानी, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें पानी, जितने आपको ग्रेवी पसंद हो आपको उसी तरीके से आप पानी डालें। हमने एक कटोरी पानी डाला है। हमारी सब्जी में उबाल आ गया है, हम अपनी सब्जी को 4 से 5 मिनट पकाएंगे। हमने ग्रेवी को 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है। देखिए हमारे दम आलू की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। देखिए लग रही ना बिल्कुल कश्मीरी दम आलू, आप बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब लास्ट में डाल देंगे जी हम धनिया, थोड़ा और 1 मिनट पका लेंगे।